subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे करेंसी फ्यूचर्स और उनका एनालिसिस देखेंगे फॉर नेक्स्ट वीक और सो फॉर नेक्स्ट मंथ। तो शुरू करते हैं यूरो आईएनआर से। तो फर्स्ट वी सी ऑन मंथली चार्ट। तो मंथली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूरो बंद हुआ है लगभग 0.5% नीचे, और मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हम एक क्लियर कट करेक्टिव ट्रेंड में हैं। और यहाँ जो है तो हमने एक 80 रुपीज़ का लेवल देखा था और वहाँ से एक अभी बाउंस बैक आ रहा है। तो यहाँ जो है तो यूरो ओवरसोल्ड लग रहा है ऑन मंथली चार्ट, और मुझे लगता है कि यहाँ डिप्स पे आपको बाइंग करनी चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ से आपको जो है तो यूरो में ऊपर के लेवल आते हुए दिखेंगे इन लॉन्गर टर्म। तो नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो 80 और 79 के, तो उनके अराउंड अगर यूरो मिलता है तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऊपर जो टारगेट बनेंगे आपके फिर से वो इस बार बनेंगे लगभग 90 और 93 रुपीज़ के। तो 79-80 रुपीज़ का जो है तो एक मेजर सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाता है और उसकी पॉसिबिलिटी लो है तो फिर आपको जो है तो यूरो में एक स्लम दिख सकता है जो उसको 70-71 रुपीज़ की तरफ लेकर जा सकता है। मगर जिस तरह से रुपये वीक हो रहा है मुझे लगता है कि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ हम 79-80 के अराउंड जो है तो बॉटम बनाएंगे और 90-93 की तरफ इन लॉन्गर टर्म जाएंगे। तो वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि 200 वीक का जो एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा वीकनेस वाली बात है। मगर यहाँ नीचे जो है तो इमीडिएट सपोर्ट है 79-80 के अराउंड। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो है तो शायद यूरो जो है तो कंसल्ट करेगा और फिर उसके बाद में जो है तो रिवर्सल आएगा। तो करंटली इन मीडियम टर्म यूरो जो है तो फिर से 80-79 की तरफ जा सकता है एज पर वीकली चार्ट। जब तक ये 83-50 के ऊपर बंद नहीं होता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक आपको जो है तो यूरो में वीकनेस ही दिखाई देगी और ऊपर के लेवल पे सेल ऑन राइज ही स्ट्रैटेजी रहेगी इसमें। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने लास्ट मंथ जो है तो कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन देखा और 81 के अराउंड सपोर्ट लेने के बाद यूरो जो है तो उसने बाउंस बैक दिखाया है। अभी इस महीने के लिए जो है तो अगर ये 83 रुपीज़ के नीचे ट्रेड करता है तो आपको शॉर्ट जाना चाहिए। 83 के नीचे वीकनेस रहेगी यूरो में, टारगेट रहेंगे 88 और 79 के। अगर 83 के ऊपर जाता है तो आपको जो है तो 84-85 के लेवल जो है तो यूरो में आते हुए दिखेंगे। तो 83 एज अ लक्ष्मण रेखा है, उसके नीचे वीकनेस रहेगी यूरो में, टारगेट रहेंगे 80 और 79 के। 83 के ऊपर 84-85 तक आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली हम जो है तो फिर से 80 और 79 के लेवल जो है तो मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा वीकनेस और सेलिंग का ही व्यू रहेगा। 83 के नीचे सेल ऑन राइज व्यू, टारगेट 80 रुपीज़ का पहला टारगेट, 80-79 का दूसरा टारगेट रहेगा। अभी देखते हैं पाउंड। तो मंथली चार्ट पे लास्ट मंथ जो है तो पाउंड जो है तो लगभग 1.68% नीचे बंद हुआ, और इस महीने जो है तो हमने एक वीक शुरुआत की है लगभग 0.7% डाउन। तो यहाँ जो है तो यहाँ भी ओवरसोल्ड रीजन में अप्रोच कर रहा है पाउंड। तो नीचे जो है 93 रुपीज़ एक स्ट्रांग सपोर्ट है, शायद लॉन्गर टर्म में वहाँ हम जो है तो बॉटम बनाएंगे और वहाँ से आपको जो है तो फिर से 100-105 के लेवल जो है तो आते हुए दिखेंगे। तो 93 जो लेवल है ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में एज ए इन्वेस्टमेंट लेवल है। अगर 93 के नीचे वीकली और मंथली क्लोजिंग आती है तो आपको जो है तो पाउंड एक रिकॉर्ड लो लेवल पे जाता हुआ दिखेगा, जो 87-85 के लेवल आ सकते हैं जो 2019 में हमने लो देखे थे। वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे यहाँ क्लियर कट ओवरसोल्ड लग रहा है और अभी ये जो है तो कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। तो यहाँ मेरा बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा, 93 विल बी द बेस्ट बाइंग लेवल, और ऊपर जो है तो आपको 90-97-98 के लेवल देखने को मिल सकते हैं इन मीडियम टर्म। डेली चार्ट पे देखते हैं। तो डेली चार्ट पे भी यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि पाउंड जो है तो फिर से 93 के अराउंड जो है तो सपोर्ट लेगा और वहाँ से बाउंस बैक करके आपको जो है तो ऊपर 97-98 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ मेरा बुलिश व्यू रहेगा, बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी रहेगी।
मगर आपको बाय करना है जो सेफ्टी बाय है वो 93 के अराउंड विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, टारगेट रहेंगे आपके 97-98 रुपीज के फॉर नेक्स्ट मंथ। और शॉर्ट टर्म में जो है तो आपको वेट करना है कि 96 का लेवल जो है तो पार हो, उसके बाद ही उसके बाइंग जाना है, बाइंग में जाना है, और 97-98 के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये 96 को पार नहीं करता है तब तक जो है तो यहाँ थोड़ी सी वीकनेस बनी रहेगी, और नीचे जो है तो और एक बाइंग का लेवल है जो है 93, उसके लेवल उसके अराउंड आता है तो आप वहाँ लॉन्ग जा सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो 93 के अराउंड या फिर 96 के ऊपर बाइंग बनती है। करंटली ये कंसोलिडेट कर सकता है, एक रेंज बाउंड प्ले जो है तो कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े फॉल के बाद जो है तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइजेस जो है तो एक रेंज में चलती रहती है, तो यहाँ आपको एक रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन फेज भी आती हुई दिखेगी। मगर आपको जो रैली मिलेगी वो 96 के ऊपर ही मिलेगी, या फिर जो बेस्ट बाय बनेगा वो 93 के अराउंड बनेगा। अभी देखते हैं इन, तो इन जो है ये रिकॉर्ड लो पे जा रहा है, मगर मंथली चार्ट पे ये ओवर सोल्ड लग रहा है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है जो इसको 63-64 रुपीस का तक जा सकता है। तो यहाँ रिस्की बाय होगा या रिस्की इन्वेस्टमेंट होगा, मगर जिनको रिस्क लेना है वो 57-58 के अराउंड इन में बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट रहेगा 64 का, और नीचे जो है तो अगर ये लगभग 56 का लेवल तोड़ देता है तो आपको जो है तो 50-48 के लेवल भी आते हुए दिखेंगे इन में। तो यहाँ 56 से एक लक्ष्मण रेखा है, जो भी इन्वेस्टमेंट है आपका उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 56 का। अभी जो लास्ट क्लोजिंग थी वो 58.35 की थी, लगभग 0.35% ऊपर बंद हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। लास्ट मंथ हमने जो है तो इन में लगभग 3.5% का लॉस देखा था, तो यहाँ जो है तो एक बाउंस बैक ज़रूर आएगा और आ सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। वीकली चार्ट पे देखते हैं, तो वीकली चार्ट पे इन ने इस साल के सभी डाउन साइड टारगेट अचीव कर लिए, और यहाँ जो है तो हम सुपर बेयरिश ट्रेंड में जोन में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ऊपर जो है तो मेरे हिसाब से 64-65 के लेवल जो है तो इन में आते हुए देखेंगे, नीचे जो है तो 57-58 की लेवल जो है तो एज ए सपोर्ट है। यहाँ मेरा बाइंग का व्यू रहेगा, ऊपर टारगेट 63-64 के आते हुए दिखेंगे आपको आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। अभी देखते हैं डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो यहाँ क्लियर कट एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है, तो मेरा यहाँ लॉन्ग व्यू रहेगा। जैसे एन जो है तो 58 रुपीज़ 50 पैसे का लेवल क्रॉस करता है आपको जो है तो यहाँ 59.70, 60.50 और 61 रुपीज़ के लेवल आते हुए दिखेंगे। मैक्सिमम टारगेट 63 रुपीज़ का इन शॉर्ट टर्म बनता है, तो आपको 58 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर लॉन्ग व्यू बनाना है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, टारगेट 59.70, 60 रुपीज़ 50 पैसा और उसके बाद में 63 रुपीज़ के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ क्लियर कट एक राउंडिंग बॉटम है और बुलिश लग रहा है, तो यहाँ मेरी बाइंग की सलाह रहेगी। अभी देखते हैं डॉलर, तो यूएसडी आईएनआर जो है तो जैसे मैंने कहा था यहाँ मेरे सभी टारगेट अच्छी हो चुके हैं लगभग, और यहाँ हम अभी सुपर बुलिश ट्रेंड में है, तो ये एक सुपर बुलिश ट्रेंड जो है तो ये कंटिन्यू हो सकता है, मगर यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगी और यहाँ ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए। आपको लॉन्ग लेना है तो इंट्राडे में लॉन्ग लीजिए, आपको मोमेंटम मिलेगा। यहाँ ऊपर 80-81 तक जैसे मैंने कहा था कि डॉलर जा सकता है, तो 78-60 के ऊपर जब तक डॉलर है तब तक आपको ये मोमेंटम कंटिन्यू होते दिखेगा, और टारगेट रहेंगे 80-81 रुपीज़ के, मगर ये मुझे लगता नहीं कि सस्टेन होगा। यहाँ से आपको फिर से जो है तो डॉलर में थोड़ा सा करेक्शन आते हुए दिखेगा इन लॉन्गर टर्म। तो जिन्हें रिस्क लेना है वो 81 के अराउंड जो है तो डॉलर को शॉर्ट कर सकते हैं इन विद मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू, और नीचे जो है तो आपको फिर से 75-76 के लेवल जो है तो डॉलर दिखा सकता है। लास्ट मंथ अभी आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो लगभग लास्ट 6 मंथ से डॉलर जो है तो कंटिन्यूसली गेन दिखा रहा है अगेंस्ट रुपी, तो रुपी वीक हो रहा है लास्ट 6 मंथ से, और लास्ट मंथ हमने लगभग 2% के गेन देखे हैं डॉलर में, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए। यहाँ से जो है तो उसके वजह से इन्फ्लेशन जो है तो ओवर प्रेशर बढ़ेगा मार्केट में।
अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे इस हफ्ते हमने लगभग 1% के गेन देखे है और यहाँ 78.60 रुपीज़ के ऊपर डॉलर जो है तो सुपर बुलिश रहेगा। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है उन्हें ट्रेल करना चाहिए 78.60 के नीचे। स्टॉप लॉस टारगेट 80 रुपीज़ और 81 रुपीज़ के टारगेट आपको रखने चाहिए। जैसे ही हम 78.60 रुपीज़ के नीचे जाएंगे आपको एक शार्प ड्रॉप आते हुए दिखेगा डॉलर में, जिसका टारगेट 76 रुपीज़ और 74 रुपीज़ हो सकता है इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ मेरा हम जो है तो ओवरबॉट जोन में एंटर कर रहे हैं और ये रैली कंटिन्यू हो सकती है ओवरबॉट जोन में। मगर मेरी यहाँ सलाह रहेगी कि सेल ऑन राइज व्यू रखना चाहिए। यहाँ सेल ऑन राइज पे आपके आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं, मगर जब डाउन साइड आएगी तो आपको 1:3, 4, 5 times जो है तो रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ मेरा व्यू रहेगा शॉर्ट टर्म में सेल ऑन राइज। मोस्टली आई विल सेल डॉलर अराउंड 80 रुपीज़ विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 80 रुपीज़ के अराउंड मुझे मिलता है डॉलर तो मैं सेल करके जाऊंगा। नीचे जो है तो आपको 78 और 77 के टारगेट जो है तो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अभी ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है आने वाले दिनों के लिए वो है 79.20, 79.50 और 80 रुपीज़ के 80 रुपीज़ 20 पैसा के रेजिस्टेंस है। इन लेवल के अराउंड आपको अगर वीकनेस दिखती है तो यहाँ मैं मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो शॉर्ट, क्योंकि ये ओवरबॉट लग रहा है और यहाँ से मुझे नहीं लगता कि डॉलर जो है तो सस्टेन कर पाएगा ऊपर के लेवल पे। नीचे जो है तो आपको एक अच्छे खासे 78-77 के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर आपको 80 रुपीज़ पे डॉलर मिलता है शॉर्ट करने के लिए तो। और यहाँ ये शॉर्ट भी स्टॉप लॉस के साथ साथ जाना है और ये हाई रिस्क शॉर्ट रहेगा, तो जो रिस्क ले सकते हैं उन्होंने ही शॉर्ट करना है। बाकी आप जो है तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। क्लियरली अभी मोमेंटम है तो ये मोमेंटम में लॉन्ग भी बना सकते हो, मगर आई विल नॉट प्रिफर लॉन्ग। आई विल टेक लॉन्ग पोजिशन इन इंट्राडे ओनली। पोजिशनली आई विल लुक फॉर अ शॉर्ट पोजिशन। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉर्ट कमोडिटी कॉल चाहिए तो आप मेरा प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।